स्टार्ट करते ओके ऑन पेज नंबर 11, ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज थिंक एंड आंसर, आपको सोचना है और आंसर करना है। मैम ने यहाँ पे ऑलरेडी आंसर लिख रखे हैं, तो अभी आप मैम के साथ इस वर्क को करेंगे, ठीक है, ताकि आपकी स्पेलिंग्स गलत नहीं हो, ठीक है, जो आप लिखोगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम्स ऑफ द प्लेसेस वेयर कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू डू द फॉलोइंग एक्टिविटीज। क्या करना है आपको, आपको उन प्लेसेस के नेम लिखने हैं जहाँ पे कंप्यूटर की हेल्प से ये वर्क होता है, ठीक है। सो द फर्स्ट इज टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ पेशेंट्स। ओके, कंप्यूटर की हेल्प से पेशेंट्स का रिकॉर्ड कौन से प्लेस पे रखा जाता है, हमने रीड किया था ना। यस, सो द आंसर इज हॉस्पिटल्स। सो आप किसकी स्पेलिंग लिखेंगे फर्स्ट में, हॉस्पिटल्स, HOSPITALS, ठीक है। और आपकी हेल्प के लिए देखो यहाँ पे भी स्पेलिंग दी गई है, ठीक है। नाउ द सेकेंड इज TO2, डिपॉजिट मनी। कंप्यूटर की हेल्प से पैसे कहाँ जमा कर सकते हो आप, मैम ने एग्जाम्पल दिया था ना। यस, सो द आंसर इज बैंक्स। तो आप किस किस पर लिखोगे, BANKS, बैंक्स, ठीक है। नाउ द थर्ड, टू बुक ए टिकट्स। अब ए टिकट्स, आपको एरोप्लेन में बैठने के लिए कंप्यूटर की हेल्प से हम टिकट बुक करते हैं। सो कहाँ पे करते हैं, कौन सा प्लेस होता है वो, रेलवे स्टेशन? नो, रेलवे स्टेशन पे तो रेल चलती है, वहाँ पे प्लेन चलती है क्या, नहीं ना। सो द आंसर इज एयरपोर्ट्स। फ्लाइट कहाँ उठती है, एयरपोर्ट्स। सो यू हैव टू राइट द स्पेलिंग ऑफ एयरपोर्ट्स, AIRPORTS, ठीक है। नाउ द फोर्थ इज टू मेक बिल्स ऑफ फूड आइटम्स। अब कंप्यूटर की हेल्प से बिल जनरेट होता है जब आप खाना खाने जाते हो, तो वो कौन सा प्लेस होता है, हमने रीड किया था। सो द आंसर इज रेस्टोरेंट्स। स्पेलिंग क्या होगी, RESTAURANTS, रेस्टोरेंट्स, ठीक है। सो ये हमारा पेज नंबर 11 था। नाउ पेज नंबर 12, ओके। सो अब पेज नंबर 12 पे ये जो एक्सरसाइज टाइम है ना, हम ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है ए पार्ट, वो देखो मैम ने यहाँ पे क्रॉस किया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, ठीक है। इसका मैम आपको अलग से क्वेश्चनर शेयर करेगी, उसके अंदर हम करेंगे, ठीक है। सो आपको बुक में फर्स्ट क्वेश्चन ए वाला नहीं करना, उसको क्रॉस कर देंगे छोटा सा। नाउ बी पार्ट, फिल इन द बॉक्सेस टू राइट द नेम्स ऑफ द प्लेसेस वेयर वी यूज कंप्यूटर्स। क्या करना है आपको, ये जो बॉक्सेस दिए हुए हैं ना, देखो मैम ने तो स्पेलिंग लिख रखी है, आपके बॉक्सेस अभी भी ब्लैंक होंगे ना, सो आपको वहां पे स्पेलिंग लिखनी है। सो द फर्स्ट स्पेलिंग इज स्कूल, रिपीट करो मैम के साथ, स्कूल, SCHOOL, ओके। नाउ द सेकेंड स्पेलिंग इज ऑफिस, OFFICE, ठीक है। ऑन पेज नंबर 13, ओके। सो द थर्ड स्पेलिंग इज शॉप, SHOP, ओके, शॉप। नंबर 4, हॉस्पिटल, HOSPITAL, क्लियर। नाउ सी पार्ट, सी पार्ट में क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स, ओके। आप ये जो ब्लैंक्स है ना, आपकी नोटबुक में खाली होगी ब्लैंक्स, मैम ने ऑलरेडी आंसर लिख रखे है। सो वॉट यू हैव टू डू, वी हैव टू रीड दैट सेंटेंस, हम सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ेंगे एंड अकॉर्डिंग टू दैट सेंटेंस वी हैव टू राइट द करेक्ट वर्ड, ओके। सेंटेंस के अकॉर्डिंग वहां पे जो करेक्ट आंसर आएगा हम उसकी स्पेलिंग लिखेंगे, ओके। सो द फर्स्ट इज वी कैन सॉल्व सम्स यूजिंग अ कंप्यूटर, ओके। हम कंप्यूटर की हेल्प से सम भी सॉल्व कर सकते हैं ना, कैलकुलेशन कर सकते हो। सो यू हैव टू राइट द स्पेलिंग ऑफ कंप्यूटर, COMPUTER। नाउ नंबर 2, अ कंप्यूटर कैन सेंड और रिसीव मैसेजेस। कंप्यूटर क्या कर सकता है, मैसेज सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है। सो यू हैव टू राइट द स्पेलिंग ऑफ सेंड, SEND, सेंड और रिसीव, RECEIVE, ओके। नाउ नंबर 3, वी कैन स्टोर इन्फॉर्मेशन इन अ कंप्यूटर। हम कंप्यूटर में क्या स्टोर करके रख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन। सो यू हैव टू राइट द स्पेलिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, इन, आई एंड इन, फॉर, FOR, फॉर, मेशन, MATION, इन्फॉर्मेशन, ओके। नाउ नंबर 4, कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन हॉस्पिटल्स टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ पेशेंट्स। कंप्यूटर्स का यूज हॉस्पिटल में क्या रखने के लिए होता है, पेशेंट्स का रिकॉर्ड, ओके।
सो यू हैव टू राइट द स्पेलिंग ऑफ हॉस्पिटल्स HOSPITALS ओके ये हमने यहाँ पे भी पढ़ा था ना ओके सो सेम सेंटेंस है नाउ डी पार्ट में क्या करेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस आपको जो ये क्वेश्चन है ना वन और टू पे इनको हम रीड करेंगे और इनका आंसर लिखेंगे ओके सो द फर्स्ट इज हाउ डज अ कंप्यूटर हेल्प यू कंप्यूटर आपकी हेल्प कैसे करता है बताओ हाँ उस पे हम बहुत सारा वर्क कर सकते हैं सो इसको आप कैसे लिखोगे इट हेल्प्स अस टू डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क ओके नाउ नंबर टू स्टेट वन यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन हॉस्पिटल्स आपको कोई भी एक ऐसी चीज लिखनी है जो हॉस्पिटल में की जाती है किसकी हेल्प से कंप्यूटर की हेल्प से सो स्टेट वन यूज ऑफ कंप्यूटर हमको कंप्यूटर का एक उपयोग लिखना है जो हॉस्पिटल में होता है क्लियर सो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ पेशेंट्स यहाँ पे पढ़ा था फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पे भी आया था और ये लाइन तो यहाँ पे भी आ चुकी है ओके सो हम बहुत ही सुंदर राइटिंग में ये वर्क करेंगे थैंक यू